नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार। झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। टिकटों के ऐलान के साथ ही झारखंड के चुनावी जंग ने रंग पकड़ लिया है। जिसे टिकट मिला वो उत्साह के साथ चुनावी रण में ताल ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है, साथ ही जीत का भरोसा भी लगातार दे रहे हैं। लेकिन मिशन 65+ के साथ चुनावी जंग में उतरी बीजेपी के कर्णधारों की टीम को फिर बहुमत की सरकार का भरोसा है। देखिए, सियासी दंगल में कमल के कर्णधार, टिकट के बाद जीत के दावों की भरमार, फिर झारखंड में बनेगी बहुमत की सरकार। बीजेपी की ओर से टिकट की सूची जारी होते ही पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत का ऐलान कर दिया है। मिशन 65+ के साथ चुनावी दंगल में उतरी बीजेपी के योद्धाओं ने पार्टी सिंबल लिया और फिर अपनी अपनी जीत के दावे की। रघुवर सरकार में मंत्री पद संभालने वाले नेताओं ने राज्य सरकार के कामों के बूते फिर बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। 5 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है, एम्स लाने का काम किया है, कैंसर हॉस्पिटल और रिम्स को सुपर स्पेशलिटी में परिणत करने का काम किया है। सभी जगह बिना इंडोर आउटडोर दवा हमने फ्री कर दिया है, 108 एम्बुलेंस चलाए, अनेक योजनाएं जो है हमने काम किया, इसके एवज में मुझे इनाम में मिला है। बिल्कुल, शीर्ष नेतृत्व में ने जो भरोसा किया है उस विश्वास में फिर से खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी हम बता दें कि झारखंड में फिर से बहुमत की सरकार बनने वाली है। पूरे विश्वास के साथ इस बात को बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विश्वास की कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत और वहां के जनता के जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बदौलत मैं फिर से जीतूंगा और भारतीय जनता पार्टी की विश्वास की कसौटी पर खरा उतरूंगा। पार्टी का टिकट मिलने के साथ ही प्रत्याशी जोर शोर से जनता के साथ जनसंपर्क में जुट गए तो भगवान के दर पर हाजिरी लगाकर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और पार्टी की ओर से जताए गए भरोसे पर खरा उतरने के दावे कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ता का आशीर्वाद, मतलब परिवार का आशीर्वाद जो मिला है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरव की बात है। और अभी हमको इस सीट को निकालना है तो उसके लिए पूरा दमखम के साथ और पूरा झारखंड का हमको लगता है यहाँ पर एक तरफा वोट। 60 विद्यार्थी पर एक टीचर होवा के चाहिए, उसमें कई समस्या भर जाए छे। लेकिन मैथिली राजकाज के भाषा बने कम से कम पूरा बिहार में, नहीं तो मिथिला में मैथिली राजकाज के भाषा बने, ओकरा लेल हम सब प्रतिबद्ध छी। सत्ता की लड़ाई में बीजेपी के कर्णधारों की ओर से सियासी दंगल को जीतने और फिर से बहुमत की सरकार बनाने के जो दावे किए जा रहे हैं, अब इन दावों पर कौन कौन कर्णधार खड़े उतरेंगे ये चुनाव परिणाम के बाद पता चले।